को जुल्मी कहने में जीव जहाँ पर डरती है, पौरुष होता छार वही दम घोर जवानी मरती है। लालू जी टाइप भाषा नहीं, लालू जी तो चोर है, लालू जी तो चोर है, बिहार को लूट लिए, कहे नाम लेते चोर सबको, इसलिए अरे हमारी लालू जी के बेटा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, उम्मीद नहीं है तेजस्वी। अरे तो नौवा फेल है, उसको तो अपना ना कुछ आता है, बैठ जाए परीक्षा में फेल हो जाएगा। हमारे साथ नीतीश कुमार बैठे, इंजीनियरिंग का परीक्षा में फेल हो जाएंगे, ये तेजस्वी बैठे वो फेल हो जाएगा, नीतीश जी भी फेल हो जाएंगे। वो तब उसको क्या आता है, वो तब हो गया अपने चरित्रहीन। राधे राधे बोलो बंदे, अब काम खत्म है। चलिए अब बात आगे बढ़ जाएगा। सर एक सेकंड सर, जो इतना मतलब बोलिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा। हम कोई अच्छा, हम 10 आदमी से पूछेगी, एक आदमी से पूछे, एक आदमी से पूछे, तय है तो एक आदमी से पूछ रहे हैं अभी। ठीक है सर, तो आप ही बताइए। देख रहे होंगे एक तरफ पुलिस दलबल के साथ खड़े हैं और एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी, इन लोगों को इधर रखा गया है और बाकी शिक्षक अभ्यर्थियों को वहां से देख रहे होंगे कि उधर उधर को उधर रोका गया है। तो गर्दनी बाग पे इन लोगों का धरना प्रदर्शन था। बताया यह जाता है कि लाखों की संख्या में ये लोग थे, मगर तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगा करके पटना में जगह जगह पर से रोका गया है। और भी क्या कुछ कहते हैं शिक्षक उन तमाम लोगों से, अभी हम बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे थे सर आप, बड़ा सुनाइए। बोले जब सरकार का काम होता है, बीएलओ कार्य हो, जनगणना कार्य हो, आर्थिक गणना हो, चुनाव कार्य है, परीक्षा ड्यूटी है, तब हम योग्य हैं। लेकिन जब राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात आती है जी, तो हम अयोग्य हैं, हमको परीक्षा देना पड़ेगा बीपीएससी का। लेकिन अन्य जो भी सरकार का काम है, इसमें सभी शिक्षक संपूर्ण अपना योगदान देते हैं और उस काम को करते हैं, तब उस समय हम योग्य हो जाते हैं। आप कहाँ पढ़ाते हैं सर? जी समस्तीपुर जिला वार्ष्णेय प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय शादीपुर बथना क्रांति कुमार में। जी सरकार से हम यही मांग करते हैं कि ये जो 2023 की जो शिक्षक नियमावली लाया है, इसको एकदम तुरंत वो वापस ले। और ये जो बार बार जब हम लोग की मांग एक जोर पकड़ता है, तो वो तरह तरह का हटकंडा ला करके हम लोग को दबाने का क्या करता है, काम करता है, हम लोग को दिग्भ्रमित करते रहता है। और अगर हम लोग योग्य नहीं है तो इतना दिन से हम लोग पढ़ा कैसे रहे, इतने बच्चे पास क्यों कैसे कर रहे हैं, हम कॉपी कैसे चेक कर रहे हैं, हम इलेक्शन कैसे करवा रहे हैं। और जब हम इलेक्शन करवाते हैं तो सबसे बेहतर काम हम लोग का होता है, तो वहाँ हम योग हो जाते हैं। और जब हम हमारी जब मांग होती है समान काम समान वेतन की, जब बात होती है तो हम लोग अयोग हो जाते हैं। ये बड़ी नाटक है। अच्छा एक बातें हैं, आप कितने साल से शिक्षक हैं? हम 8 साल से शिक्षक हैं। तो जब आप लोग फॉर्म भरे होंगे तो आप लोग को लिखा गया होगा ना कि कौन सा वेतनमान देंगे नहीं देंगे, ये तय नहीं था? कुछ नहीं तय था, पहले कुछ तय था ना कि इतना देंगे इतना देंगे, और बोला गया था सरकारी वेतनमान देंगे क्या? नहीं, जो उस समय का जो वेतन था वो तो लिखा गया था, लेकिन अभी आप लोग अब क्या कीजिएगा, आपका वेतन नहीं बढ़ना चाहिए, महंगाई बढ़ रही तो आपको आपका वेतन। नीतीश जी बोले विधानसभा में कि हम 4-4, 5-5 हज़ार करके थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाए तो अपना काहे 3 गुना कर ले, अपना भी तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए ना, ये कहाँ की नीति है। आपने कहा कि 40,000 रुपया हो गया, आज के वर्तमान में महंगाई के सापेक्ष में अगर जोड़ लीजिए तो 40,000 रुपया जो आज से 10 वर्ष पहले जो मिलता था, 10,500 रुपया आज से 10 वर्ष पहले जो 10,500 रुपया मिलता था, वो तो नहीं मिल रहा है अभी भी। आप उठा करके देख लीजिए, पूरा आप सब्जी खरीदने जाइए, आप कुछ भी खरीदने जाइएगा, सारा देखिए महंगाई का जो हिसाब किताब देखिएगा, तो वैसी स्थिति में महंगाई के सापेक्ष में 40,000 रुपया क्या है, मतलब कितना तक हो जाना चाहिए? नहीं, हम लोग को जो पूर्ण वेतनमान जो होता है उसको भटकाने का काम नहीं किया जाए, उसको भ्रमित करने का काम नहीं किया जाए, पूर्ण वेतनमान दिया जाए और पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से कर्तव्य परायण है, एकदम लगे हुए हैं। अरे हम 9 से 4 बजे तक जो है कम मेहनत करते हैं हम लोग। और रही बात है कि अनेक तरह के जैसे अनेक तरह के अनावश्यक कामों में लगाया जाता है, तो उससे शिक्षा प्रभावित होती है कि नहीं होती? हम लोग तो ऐसा आलू है कि जिधर मिला दो, जिधर सब जो सा सब्जी में डाल दो उसमें सेट कर जाते हैं। कौन 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 काम कराते हैं नीतीश जी? अरे बहुत सारा है, जनगणना है, ये है, वो है, तो पशुगणना है, सब कुछ है, तो अनावश्यक अनावश्यक कार्यों से मुक्ति मिलेगा तब तो हम सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। कोरोना काल में भी ड्यूटी रहा है, अनावश्यक कार्यों से मुक्ति मिलेगी तब ना हम लोग को, मतलब कि हम लोग शिक्षक जो कार्य करते हैं तो अखबारों में छपता रहता है हमेशा। और हाँ बिल्कुल, और हम लोग ये सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर सभी शिक्षकों को काम दिया जाता है, ऊपर से नीचे, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम
होता है, बिल्कुल किया जाता है। और पढ़ाई के साथ सब्जी उब्जी भी लाते हैं, सब्जी लाने की बात नहीं है। आप जो है एकदम हम लोगों की बात यह है कि हम लोगों को हमारे जो पुराने शिक्षकों को जो वेतन मिलता था, आपने सुना ही नहीं। आप पहले सुन लीजिए मैंने क्या कहा। आपने कहा कि आपको 40,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है 40,000। नहीं कहा, नीतीश जी बोले। आपने बोला, आपने बोला कुछ समय पहले, ठीक है हम बोले, ठीक है उनकी भाषा में। लेकिन समय के सापेक्ष में, अभी वर्तमान समय के सापेक्ष में देखिएगा तो आप जितना हम लोगों को मतलब 2014 में मिलता था 10,500-11,000 जो भी मिलता था, समझ ना, उतना ही मिल रहा, उतना ही मिल रहा है। कर्मी का कुछ अलग नहीं मिल रहा है, हम उसके मांग के लिए आए हैं, थोड़ा बढ़ा दिया ये पूर्ण वेतन मान राजकर्मी का जो दर्जा है हम लोग को मिलना चाहिए, यही मांग है, समझे कि नहीं, समझे। अच्छा सही बात है, परीक्षा कराने के बाद कितनी बार आप परीक्षा लीजिएगा, अरे टीईटी पास किए, अनेक तरह के परीक्षाओं से हम लोग अक्सर गुजरते रहते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ये बहुत सारा। नीतीश जी बोले, मतलब बोला जा रहा है ना कि बीपीएससी का एग्जाम दीजिए और नया वाला ये जो राज्यकर्मी वाला वेतन मान है वो वाला। नहीं नहीं, तो उसमें भी चाहिए, हम नहीं बोल रहे हैं, एक मिनट आप अपने जगह पर, अच्छा एक मिनट यहाँ पे जितने भी पुलिस खड़े हैं, अच्छा हम जितने भी पुलिस खड़े हैं इनसे बात करिए ना, फिर बात करिए। नहीं प्रश्न कीजिए सही, आप कितने में खुश हुए नेता बने का होता, कोई कुछ नहीं चाहिए। अभी जैसे अरे जुड़े हुए तो मैं, अरे तो हम पूछने के लिए आप, अच्छा भैया एक बात बताइए इनको आने दो, अच्छा सर यहाँ पे इतने सारे सर, आप एक मिनट सर हमको रुक जाइए, अच्छा एक सवाल का जवाब, अब आप यहाँ पे इतने सारे पुलिस है सर, अभी देखिए यहाँ पे इतने सारे पुलिस है जिन्होंने 10-20 साल से काम किया है, अगर इनको बोले अभी बीम खींचो और इतना बीपीटी करो, नहीं पहले 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 सुनिए सर, इनका सुने इनका सुने इनका के वो का सर, पूछे पूछिए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए सर, आएंगे उधर से तो। अच्छा हाँ चलिए, अच्छा हम क्या पूछ रहे हैं, नहीं हम सर सॉरी सर, सर सर एक सेकंड सर, जो इतना मतलब बोलिएगा तो हमको समझ में नहीं आएगा, हम कोई, अच्छा हम 10 आदमी से पूछेगी, एक आदमी से पूछे, एक आदमी से पूछे, तय है तो एक आदमी से पूछ रहे हैं अभी, ठीक है सर, तो आप ही बताइए। क्वेश्चन दे रहे हैं जो सरकार के जो विधायक हैं, एक बार में विधायक बने, जब विधायक से सांसद बन जाता है, जिंदगी भर पेंशन, विधायक के बाद वो सांसद हो जाते हैं, सांसद का पेंशन लेते हैं, यहाँ मास्टर साहब 1500 आप कहे जो 1500 से 40,000 रुपया कर दिए, बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ बोल तो रहे हैं सरकार, सरकार को स्वयं मालूम नहीं है यहाँ महंगाई कहाँ, अब आप बोलिए सर क्या क्वेश्चन पूछिए, क्या पूछना है, क्वेश्चन यही है को कि बोल रहे हैं कि विधायक को एक, आप जो है शिक्षक नियमावली के बारे में बोले, जी जी तो शिक्षक नियमावली बिल्कुल शिक्षक के विरोध में है, कैसे है ये विरोध में, आप जो ये कह रहे हैं कि आपको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी का एग्जाम पास करना पड़ेगा, तो वो जो है आप किसको किसके बारे में बोल रहे हैं, आपका 4 लाख के आसपास नियोजित टीचर हैं जी, और इसके बाद आप जो हैं लगभग 3 लाख के आसपास आपके बाहर में जो आपके जो आपके राज्य में जो है वो सीटेट बीटेट पास के स्टेट पास किए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो आप और वैकेंसी कितना निकाल रहे हैं 1,70,000, क्या ये आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप मान के चलिए, कोई जब कोई जो स्टूडेंट है जिसको हमने पढ़ाया आज वो भी जो है एसटीटी पास है या सीटेट पास है और उसके साथ हमको रिलेट कर रहे हैं, हमको एग्जाम उसके साथ बैठा रहे हैं, क्या वो हम तुलना कर पाएंगे उसका, क्या हम उसके साथ दौड़ पाएंगे, अगर एक जो 10 साल जो हो गया है जो बिहार पुलिस बन गया मान के चलिए, वो बिहार पुलिस बना हुआ है और अभी जो नया लड़का है उसके साथ दौड़ा, क्या दौड़ जाएगा वो, नहीं कर पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा, बिल्कुल आप 1,70,000 जो वैकेंसी दिया है क्या उसमें 4 लाख नियोजित टीचर और बाहर के जिसको आप लेना चाहते हैं, इसके इसका मतलब है आप नीचे दिखाना चाह रहे हैं, नीतीश जी को क्या कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ये जो आप नियमावली लिए है बिल्कुल इसको वापस लीजिए और इसमें अगर हो सके इसको सुधार कीजिए, इसको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना शर्त बोलिए एयरफोर्स से आप रिटायर्ड, एयरफोर्स से रिटायर्ड शिक्षक काल बने, एयरफोर्स तो बड़ा, एयरफोर्स से रिटायर करने के बाद हमने इधर ज्वाइन किया है, शिक्षक बनने का एक रीजन है, अगर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया है तो किसी भाई ने एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी होगी तभी मैं ज्वाइन किया होगा, आज अगर मैं शिक्षक हूँ और अगर मैं ये 1,70,000 जो वैकेंसी निकली है अगर मैं उसमें हम 4.5 लाख 4 लाख लोग जो उसमें अप्लाई करेंगे तो वो 1,70,000 वो लोग नहीं आ पाएंगे,
वो लोग बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाएंगे। कहाँ थे एयरफोर्स में आप, कहाँ ड्यूटी किए? मैं एयरफोर्स इंटेलिजेंस में भी काम किया हूँ और एयरफोर्स जोधपुर मेरा लास्ट यूनिट। क्या नाम हुआ सर? मैं साजन कमलेश कुमार। कहाँ से हैं सर? हम बिहार हाजीपुर से हैं। तो शिक्षक का नौकरी क्यों करना चाहे सर? शिक्षक की सेवा करने के लिए। हमने एयरफोर्स की नौकरी की, हमने 20 साल की नौकरी की, वहाँ का टर्म्स पूरा किया, उसके बाद इधर हमने ज्वाइन कर लिया। रिटायर कर देते, रिटायर होने के बाद शिक्षक में आ गए। चलिए सर, ये वाला बात है। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूँ सर, आप देखिए सरकार की नीति तो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कि गुजरात में भी मैं था, वहाँ पे दारू बंद था, वहाँ अभी भी बंद है, तो हमारे बिहार राज्य में भी बंद हुआ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फौजी लोग को अभी भी दारू मिलता है, जो भी रिटायर है उनको अभी भी मिलता है। यहाँ भी खोजते हैं आप? नहीं नहीं, मैं खोज नहीं रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, जो वहाँ से छुट्टी से आते हैं, जो वहाँ से छुट्टी से आते हैं, अगर उसने बिहार का एड्रेस दिया तो उसको दारू नहीं देगा, अगर वो आसाम का और यूपी का देगा तो उसको लेके जाने का परमिशन है। अच्छा, मतलब बिहार से बाहर ही रहेंगे तो ले जा सकते हैं। बाहर जो गुजरात में है, अगर वो दारू नहीं ले रहे तो उनको उसका पैसा भी मिलता है। ये वो शिक्षक बोल रहे हैं कि दारू छोड़िए, शिक्षक पे रहिए। कौन दारू छोड़िए? जी सर, बोलिए। हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग 15-20 साल से नौकरी कर रहे हैं और उसके बाद लगातार हम लोगों के ऊपर टर्म एंड कंडीशन को थोपते हुए गए और हम लोग सभी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल किए और उसके बाद फिर हम लोगों को एग्जाम देने की बात है। तो सरकार को एक ही बार साफ करनी चाहिए थी कि हम दक्षता परीक्षा लेंगे या बीपीएससी से परीक्षा लेंगे या सीटीईटी लेंगे या सीटेट लेंगे, जो कुछ भी लेंगे वो एक बार फाइनल शेड्यूल बनानी चाहिए और उस आधार पर जो है उन्हें सारी सुविधाएँ देनी चाहिए। चलिए, ये तमाम भविष्य के वर्तमान शिक्षक हैं और एक तरफ देख रहे होंगे पुलिस दल बल के साथ, अपना फोर्स के साथ खड़ी है, बाकी आधे अभ्यर्थियों को उधर रोका गया है, आधे को इधर रोका गया है, आधा उधर है ना जी? जी हाँ, आधा से अधिक है और बहुत लोग को हाजीपुर में ही रोक दिया गया, पुल पर ही रोक दिया गया, बहुत लोग को पुल पर ही रोक दिया गया है, हाजीपुर में ही रोक दिया गया है, हाजीपुर में रोक दिया गया है, गाड़ियों को भी रोक दिया गया है, पुल पे वैशाली जी। आप कौन जी? मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी से। नमस्कार, मैं बेगूसराय, मेरा जन्मभूमि है और कर्मभूमि वैशाली जिला। मैं जिला जी, जुल्मी को जुल्मी कहने में जीव जहां पर डरती है, पौरुष होता छार वही दमघोट जवानी मरती है। इस अन्यायी जुल्मी सरकार को कल किया आज उखार फेंक दिया, शिक्षक संघ आज उखार फिकार दिया, लाखों शिक्षक हमारे भाई बहन आ गए हैं, अब सरकार ये गिर जाएगी और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री सब कुर्सी से उतर जाएंगे। हम कुर्सी पर अगर कुर्सी पर बैठा सकते हैं, अगर हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं उतार भी सकते हैं। 15 साल के बाद क्या बीपीएससी परीक्षा ली जाती है? ये टीचर को टॉर्चर कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार से बाहर के टीचर को बुला करके बहाल कर रहे हैं, यहाँ के टीचर बहाल नहीं होंगे, ये जुल्म है, ये जुल्मी सरकार नहीं चलेगी। कौन सरकार लाइएगा, मतलब सरकार हटने से आपका समस्या? जो शिक्षा के हित में काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा। इसलिए इसलिए मेरा कहना यही है कि हमको राजकर्मी का दर्जा दे सरकार, जो भी सरकार रहे, और शिक्षक को सम्मान दे, शिक्षक को अपमान नहीं करे, और हम लोगों को कोई परीक्षा नहीं ले, ना हम देंगे परीक्षा, नहीं देंगे अगर देना है तो। नीतीश तो बोल रहे हैं लेंगे परीक्षा, नहीं लगे, बदल रहे हैं पलटूराम, बदल जाएंगे, पलट जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये लाखों शिक्षक आ गए हैं, ये शक्ति है, संघ है शक्ति कलौ युग, संगठन में शक्ति है, संघ है शक्ति कलौ युग, संगठन में शक्ति है। पीके पाठक, के पाठक ने कहा जो शिक्षक जाएंगे उनको नौकरी से हटा देंगे, लेकिन लाखों शिक्षक सर पे कफन बांध कर आए हैं, तुम नौकरी से हटाओगे हम तुमको गद्दी से उतार देंगे, ये क्षमता हमारे अंदर है। सर जो है कहाँ पढ़ाते हैं? मैं प्लस टू हिंदी शिक्षक सहयोगी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजार। हमको लगा ना सर कि आप नेता उतारे, प्लस टू के जिला अध्यक्ष नेता तो है और नेता पैदा करते हैं, इसलिए हाँ शिक्षक नेता है। प्लस टू शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष वैशाली, बेट उत्तीर्ण व्याख्याता संघ के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, अभी 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 सुन रहे हैं कि लाठी उठे चार्ज होगा। अरे लाठी क्या होगा, वो तो डर गई है, लाठी क्या, लाठी खड़े तैयार है, लाठी कहाँ पड़ रही है, इसलिए लाठी पर कहाँ रही है, हिम्मत नहीं है लाठी चलाने की, अगर लाठी चलाने की हिम्मत होती हम लोग डरते तो आते नहीं, इसलिए हम लोग मरने और मारने के लिए आए हैं, मारा कर लाए हैं, अगर हमको मरने आएगा तो उसको बचाएंगे नहीं, जो पकड़ने आएगा उस पर वार करेंगे, जिंदाबाद शिक्षक साहब, जिंदाबाद। पूरा भाषण दे रहा है।
लालू जी टाइप भाषण? नहीं, लालू जी तो चोर है, लालू जी तो चोर है, बिहार को लूट लिए, काहे नाम लेते हैं चोर सबको, इसलिए हमारी लालू जी के बेटा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री है, उम्मीद नहीं है तेजस्वी से। अरे तो नौवा फेल है, उसको तो अपना ना कुछ आता है, बैठ जाए परीक्षा में फेल हो जाएगा। हमारे साथ नीतीश कुमार बैठे इंजीनियरिंग परीक्षा में फेल हो जाएंगे, ये तेजस्वी बैठे वो फेल हो जाएगा, नीतीश जी भी फेल हो जाएंगे। अरे बताओ उसको क्या आता है, वो तो हो गया अपने चरित्रहीन। राधे राधे बोलो वंदे मातरम, अब काम खत्म है। चलिए अब बात आगे बढ़ जाएगा, काम आ गया है 2025 में। हम भोजपुर से हैं, हम लोग एग्जाम मुका लेंगे, उनका खुद एग्जाम आ गया 2025 में। वो बोल रहे हैं कि एग्जाम दे देंगे एकदम सरकारी वाला, नहीं एकदम पहले वाला, पहले वाला छोड़िए ना, उनका खुद एग्जाम आ गया 2025 में, हम लोग सका एग्जाम लेंगे, हम लोग उनका रिजल्ट निकालेंगे। भी एक तरह का छलावा है, हम लोग 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं और 1,70,000 की वैकेंसी आई है, इसमें बाहर के भी शिक्षक है, जो शिक्षक बनने योग्य अभ्यर्थी है वो भी है, और जो पहले से शिक्षक है वो भी है, तो यह भी तो एक छलावा है। हमारा कमाया हुआ वेतन हमको दिया जाता है तो पेपर के हेडिंग बनता है कि नियोजित शिक्षकों की बल्ले होली बल्ले बल्ले दिवाली बल्ले बल्ले। अरे राज्य सरकार हम पर रहम कर रही है, मेरा कमाया वेतन देती है तो उसको हेडिंग बनाया जाता है। बिल्कुल एक सेकंड, चलिए ये वर्तमान के शिक्षक हैं और एक तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है इन लोगों को हटाने के लिए, तो ये तमाम बातें हम सुना रहे थे। अभी शिक्षकों की पीड़ा थी वो बता रहे थे, अलग अलग जिलों से आए हैं, बिहार में 38 जिले हैं, उन तमाम जगहों से अभी शिक्षक आए थे, और अभी और भी कवरेज लगातार करते रहेंगे। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप झकास भारत पर बने रहिए, धन्यवाद।